नमस्कार, पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। आज समूचे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम है और लोगों में उत्साह भी है। और भारत की ही ये देन है कि समूचे विश्व में योग को अपनाया गया। हालांकि बहुत से देश पहले से ही योग को अपना रहे थे, लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पहल की, उसका परिणाम आज सामने आया है। और ये योग वो विधा है, वो प्रक्रिया है, वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने को न केवल निरोग रखते हैं बल्कि स्वस्थ भी रह सकते हैं। और उसके लिए हमें चंद मिनटों की, चंद संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि हमारे यहाँ योग की विविध धाराएं हैं, पतंजलि का भी योग चल रहा है जो सबसे पुरातन काल का है, जिसकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। और सीधे सीधे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ श्री श्री रविशंकर जी का भी योग चल रहा है, जिसमें ज्ञान भी है, ध्यान भी है। बहरहाल योग जन जन से जुड़े, क्योंकि योग में वो शक्ति है जो व्यक्ति को एक नई ऊर्जा देती है। लेकिन इसकी इतनी महत्ता और वैशिष्ट्य के बावजूद योग अब तक आम जन से नहीं जुड़ पाया। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में ये भी कहा कि चार पा शब्द का अगर हम अर्थ निकाल लें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। पहला पा माने पानी, हमें शुद्ध पानी चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें शुद्ध पानी चाहिए। दूसरे पा का अर्थ उन्होंने बताया पोषण, हमारा पोषण साफ सुथरा होना चाहिए। और यदि पोषण साफ सुथरा नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। तीसरी बात उन्होंने बताई पर्यावरण, पर्यावरण जिस तरीके से हमारे देश का प्रदूषित हो रहा है, बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि योग अगर आप करते हैं तो उसके लिए स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए, तो पर्यावरण। और चौथा परिश्रम, जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, वे लोग अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, रोगी रहते हैं। और लाख वो प्रयास करें कि हम निरोगी हो जाएं, लेकिन निरोगी नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ एक और इस तरीके की पहल की, वहीं 40 मिनट तक झारखंड के रांची में 50,000 लोगों के साथ योग किया, एक संदेश दिया, लोगों को प्रेरित किया कि आप भी योग कीजिए। और योग करने से आपको नाना प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अगर मैं योग को प्रारंभिक रूप में देखूं तो योग के कुछ ऐसे साधन हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रह सके, जैसे ध्यान, प्राणायाम, ये कुछ ऐसे हैं। और ये आप कर सकते हैं, बड़े सहज रूप में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन आज योग में वो भी शक्ति है कि चाहे कैंसर जैसा रोग हो, चाहे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो, विलक्षण बीमारियां हो, जिनसे लोग निजात ना पा रहे हो, ऐसे लोग भी योग से निजात पा सकते हैं। लेकिन कैसे, जरूरत ये है कि ये सिर्फ जगह जगह होने वाले योग में भर्ती होने से काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए योग
गुरु ऐसा तलाशना होगा जो योग्य हो, माने क्वालिफाइड हो, जिसे ज्ञान हो और जो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद में पारंगत हो। और उसके पहले डायग्नोसिस कराना चाहिए। मैं बात कर रहा था आज आर्ट ऑफ लिविंग के स्वामी श्रीपाद से, उन्होंने एक बात कही, बहुत साफ बात कही। उन्होंने कहा कि यदि आप में विलक्षण बीमारी है तो पहले उसका एलोपैथी से डायग्नोसिस कराइए, इसके बाद आप आयुर्वेद के पास जाइए, योगा के पास जाइए, तब कोई क्रिया करिए। अगर आपने सोचा कि हम सामान्य रूप से कैंसर है के रोगी हैं, अनुलोम विलोम करने लगे, कपालभाति करने लगे, ध्यान करने लगे, प्राणायाम करने लगे तो लाभ हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। आपको योग गुरु के पास जाना होगा और वो योग गुरु कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए क्वालिफाइड, माने योग्य होना चाहिए, उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, उसके पास कोई व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और यदि नहीं है तो काम नहीं चलेगा। सवाल ये उठता है कि जब योग इतना लोकप्रिय हो रहा है, हमारे भारत सरकार में आयुष मंत्रालय बना हुआ है जो इसको प्रोत्साहित कर रहा है, इसके नाना प्रकार के कार्यक्रमों को चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण है कि योग जन जन से नहीं जुड़ पा रहा है? क्या कारण है? ये एक सरकारी कार्यक्रम बन करके रह रहा है और वो भी शासन और प्रशासन का। क्यों नहीं सभी दलों के लोग जुड़ते हैं? क्यों नहीं सभी धर्मों के लोग जुड़ते हैं? क्यों नहीं सभी जातियों के लोग जुड़ते हैं? कारण साफ है, कहीं ना कहीं मन और मस्तिष्क लोगों के स्वस्थ नहीं है, उनमें कुछ पूर्वाग्रह हैं। लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ये तो एक कसरत है, करना चाहिए, लेकिन करते नहीं हैं। आज एक रस्म अदायगी के रूप में योग दिवस को मनाया गया है, इससे भला नहीं होने वाला है। जरूरत है कि हम योग को अपने जीवन में उतारें, और कैसे उतारें उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप योग गुरु के पास जाइए, और ऐसे योग गुरु के पास जाइए जो योग्य हो, जो क्वालिफाइड हो, ऐसे नहीं किसी के पास चले जाइए। कल मैं चर्चा कर रहा था, बता रहे थे कानपुर में 7,000 योग गुरु हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता है, पैसा कमा रहे हैं, बाजारीकरण कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा। हम आमजन के पास गए, हमने आमजन से पूछा कि क्या ये योग दिवस एक सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया है? क्या जनता से इसका जुड़ाव नहीं हो पाया है? क्या अयोग्य योग गुरुओं ने योग की प्रतिष्ठा को गिरा दिया है? क्या होना चाहिए? कैसे योग जुड़े लोगों से? सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? इस पर हमने सवाल पूछे हैं, और आमजन ने इस पर खुल करके अपने उत्तर भी दिए हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं, और सबसे पहले चलते हैं फतेहपुर और सुनिए फतेहपुर के लोगों की क्या राय है। हाँ, सरकारी कार्यक्रम बनकर के ही रह गया है बिल्कुल, क्योंकि उसमें जागरूकता नहीं है बिल्कुल। लोगों में मैं देखता हूँ देहात में कोई इसका प्रचार प्रसार यानी बिल्कुल किसी तरह से भी नहीं है, और ये सारा दुर्व्यसन जो सरकार की तरफ से परोसा जा रहा है जो कि भाई यदि योग माने तो वैसे होता है जोड़, किससे जोड़? आत्मा और परमपिता परमात्मा का जोड़ जो होता है उसी का नाम योग है। ये तो व्यायाम है और व्यायाम शरीर की रक्षा के लिए होता है, लेकिन अब उसके साथ दुर्व्यसन जो परोसा जा रहा है, तो जैसे ये इन शराब सरकार के द्वारा परोसी जा रही है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये सारी जो इन चीज़ें हैं जो शरीर को नुकसान करने वाली हैं, और वो योग करेगा और जो व्यायाम करेगा और व्यायाम के द्वारा मतलब ये सारी दुर्व्यसनों को करेगा, तो कैसे उसका लाभ होगा? जो कोई लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि तो उसके विषय में होती है। इसलिए मेरा विशेष करके निवेदन है सरकारी यानी सरकार से, राज्य सरकार से, कि ये जो शराब जो है उसको बंद होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध होना चाहिए जो होती है, क्योंकि ये शरीर के लिए इतनी घातक है। वो इसीलिए उसका ध्यान इधर योग की तरफ नहीं है, योग की तरफ उसका ध्यान अगर होता जो तो नित्य प्रति पहले 4 बजे जग करके और नित्य प्रति पहले वो व्यायाम करता जो
शरीर की तरफ अगर उसका ध्यान होता, लेकिन शरीर की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसलिए मैं विशेष करके ये मेरा निवेदन है सरकार से, ये दुर्व्यसन को बंद करके और योग का प्रचार प्रसार और अधिकता से किया जाए। क्या कारण है कि योग का आम जन से जुड़ाव नहीं हो पाया है? आम जन से जुड़ाव इसलिए नहीं हो पाया है कि इसका प्रचार प्रसार नहीं है दोस्तों। ये किताबों में तो भले ही बंद करके रह गया है। सरकार ने एक वहाँ पर एक न्यूरोलॉजी करके मतलब विभाग भी खोल दिया है और लोग देखिए उसकी तरफ, यदि शहरों के तो कुछ लोग यदि जाते हैं, लेकिन देहात का इससे कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसलिए प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी कमी है। मेरा विशेष करके निवेदन है इसके जो प्रशिक्षक हैं, जो शिक्षक हैं, वास्तव में जानकारी है जिनको उसके विषय में कि कौन सा व्यायाम करने से कौन सा यानी मर्ज दूर होता है और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, इसके विषय में जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक ये लोग जो होते उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उधर रुचि नहीं होती है उनकी। क्या अयोग्य गुरुओं से योग की प्रतिष्ठा गिरी है? हाँ हाँ बिल्कुल गिरी है, इसे कोई बात नहीं है। कोई बताने वाला नहीं है, सिखाने वाला नहीं है। इसलिए ये मतलब जो हो यानी जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं। जो ला दिया है कि ये योग दिवस हमारे भारतवर्ष में जो हो रहा है ये पूरी दुनिया में हो, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान और रामदेव जी, बाबा रामदेव जी का भी योगदान विशेष है, जो पूरे देश और विदेशों में जाकर के योग के बल पर निरोगी को, रोगी को निरोग बनाने का काम राम बाबा रामदेव जी ने किया है। तो ऐसे कार्यक्रमों को, सरकारी कार्यक्रम तो हो रहे हैं, संस्थाओं के द्वारा हो रहे हैं, जन जागरण भी होना चाहिए, ग्राम स्तर वार्ड स्तर में भी ये कार्यक्रम होने चाहिए, इससे लाभ है। क्या तो कारण है कि योग का आम जन से जुड़ाव नहीं हो पाया है? आम जन से जुड़ाव इसलिए नहीं हो पा रहा, लोग अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति उनके सोच नहीं है और वो लाखों हजारों रुपया इलाज में खर्च कर देते हैं और वही जो पैसा डॉक्टर के पास जाता है, अगर प्रतिदिन योग का अभ्यास करें तो मेरा मानना है कि 99% लोग स्वस्थ रहें। क्या अयोग्य गुरुओं से योग की प्रतिष्ठा गिरी है? देखिए इसमें योग में अयोग्य और योग्य नहीं लगता, इसमें जिसका प्रशिक्षण हो जाए वो अपना योग का अभ्यास कराता है, इसमें कोई गैर पढ़ा लिखा भी करा सकता है परंतु उसको प्रशिक्षित होना चाहिए। क्या योग भी एक स्टेटस सिंबल व फैशन बन गया है? फैशन नहीं है, यह योग बड़ा लाभकारी है, रोगी को निरोगी बना देता है, बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष अभियान है। योग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए? योग को लोकप्रिय बनाने के लिए समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक घंटे जो शिक्षण के कार्य होते हैं, पठन पाठन का काम होता है, प्रार्थना के समय 20 मिनट का योग का अभ्यास होना चाहिए। ये सभी बच्चे जो है धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो सीख जाएंगे तो योग, नियमित योग करने लगे। योग दिवस जो है वो अलग बात है, इस समय थोड़ा योग दिवस के नाम से 5 वर्षों से उसका प्रचलन में आया है। हमारा जो है हजारों वर्ष पूर्व योग एक विशेष मिशन के तहत हमारे जो गुरु आचार्य होते थे, गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे बच्चे, उनको अनवरत बड़ी शिक्षा हमारी आदिकाल से चली आ रही है। वो अलग बात है कि कुछ समय इधर उसका ह्रास हुआ है और दूसरे विकल्प उसके खुल गए थे जिस पर लोगों का जुड़ाव कम हुआ, लेकिन अब अच्छी बात है लोगों को जुड़ाव हो रहा है और उनमें जागरूकता आ रही है और उससे रुचि ले रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और उनको निरोगी बनाया जा रहा है, ये अच्छी परंपरा है। क्या कारण है कि योग का आम जन से जुड़ाव नहीं हो पाया है? बीच में रिक्तता रही, अज्ञानता या गुरुओं का उस पर फोकस न होना या सरकारों का उधर रुझान न करना। मेरा तो कहना है केंद्र सरकार से कि कोई ऐसा मंत्रालय, योग मंत्रालय अलग ही बना दिया जाए। अगर योग के माध्यम से निःशुल्क व्यक्ति हमारे देश का स्वच्छ होगा, निरोगी होगा, तो उससे अच्छी और कौन सी बात हो सकती है। इसलिए एक मंत्रालय मेरी मांग है केंद्र सरकार से, इसका एक मंत्रालय बनाया जाए, इसके
प्रशिक्षित गुरु नियुक्त किया जाए, गुरुकुल चलाए जाए, लोगों में जागृतियाँ हो मीडिया के माध्यम से, दूर संचार के माध्यम से, ऐसा नहीं उसका रिस्पांस मिलेगा। क्या अयोग्य गुरुओं से योग की प्रतिष्ठा गिरी है? हाँ, ये अधिकचरा ज्ञान जो है ये थोड़ा गलत होता है। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर योग मंत्रालय अगर कोई बने और अच्छे विद्यालय खोले जाए, आए प्रशिक्षित लोगों द्वारा उनको ट्रेंड करके समाज के में उनकी, जैसे डॉक्टरों की नियुक्त होती है, मेडिकल के लोगों की होती है, BMS की होती है, आयुष की होती है, और एक्यूप्रेशर के डॉक्टर नियुक्त होते हैं। इस तरह अगर योगा क्या भी उसकी मानता हो तो बच्चों में रुझान होगा, लोग प्रेरित होंगे, बच्चे अच्छे संस्कार लेके और ट्रेनिंग लेके रोजी रोटी से जोड़ने का अगर काम किया जाएगा तो निसंकोच इसकी कमियां दूर हो सकती हैं। आपने सुना, बात बहुत साफ साफ की है। अब जन ने कह रहे योग का महत्व है, योग व्यक्ति को निरोगी बनाता है, स्वस्थ बनाता है, लेकिन योग का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था नहीं हुआ। यही कारण है कि आज वो सरकारी तंत्र तक सीमित रह गया, अपेक्षित नहीं हुआ, लोगों में जागरूकता नहीं आई। और उन्होंने कहा कि लोग अपने रोगों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि यदि वे योग के रास्ते को अपनाएं तो न केवल उनका धन बचेगा बल्कि वो स्वस्थ भी रहेंगे। ये भी लोग कह रहे हैं कि ये बात सही है कि अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त योग गुरुओं से ही शिक्षा दी जानी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अध कचरा ज्ञान नुकसान कर रहा है। एक हमारे बुजुर्ग आम जन ने तो बड़ी साफ साफ बात की। उन्होंने कहा कि योग का मतलब क्या है? उन्होंने कहा पहले तो योग का मतलब आत्मा और परमात्मा को मिलाना, फिर उन्होंने कहा योग जोड़ना, योग के द्वारा स्वस्थ रहना। अगर हम योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात के लिए भी चेता दिया, एक ओर हम योग करें, दूसरी ओर हम दुर्व्यसन में पड़े, शराब पिए, सिगरेट पिए, नाना प्रकार के अन्य दुर्व्यसनों में इसके शिकार हो जाएं, और फिर हम कहें कि योग करें, कहने कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि योग से लोगों को लाभ हो तो जो ये दुर्व्यसन है, शराब है, सिगरेट है, पसाला है, इसको सबको बंद कर दीजिए और तब देखिए कितना लाभ होगा। लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लोगों के लिए फैशन बन गया है, हमारे घर में तो योग गुरु आते हैं और हम लोग योग करते हैं, ये स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। लेकिन कहते हैं ये जो योग गुरु हैं इनको कोई भी ज्ञान नहीं है, और कह रहे हैं कि योग को लोकप्रिय बनाइए। तो योग को लोकप्रिय बनाने के लिए सुझाव दिए, इसे सीधे सीधे शिक्षा से जोड़ दीजिए, इसको पाठ्यक्रम से जोड़ दीजिए, और प्रातःकाल जब विद्यालय खुले उस समय बच्चों को योग कराइए। हालांकि वो संख्या और समय दोनों पर जोर दे रहे थे 20 मिनट तक, लेकिन हमारे योग गुरु कहते हैं कि अगर आप 5 मिनट ही कायदे से योग करा दें तो फिर क्या कहने, बच्चों में स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे, वो फुर्तीले हो जाएंगे, उनका आलस समाप्त हो जाएगा, उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। इस तरीके की बातें योग गुरु कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये लोकप्रिय हो जाए तो विद्यालयों से इसकी शुरुआत कीजिए, ये कह रहे हैं हमारे आमजन। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपको सुनाएंगे आमजन की आवाज।
पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा, आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में JMD न्यूज पर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं योग दिवस की, अर्थात योग दिवस को सार्थक बनाने की, रस्म अदायगी की नहीं, सरकारी कार्यक्रम तक सीमित रखने की नहीं। लोग कहते हैं डींग मारते हैं। आज हमारे योग दिवस कार्यक्रम में 12,000 लोग आए, 5,000 लोग आए। हमारे में तो इतनी भीड़ हो गई कुछ कहने को नहीं, युवाओं की संख्या बहुत थी। ठीक है, आपने भीड़ एकत्र कर ली, लेकिन भीड़ से क्या होगा? जब तक जन जन में योग का संदेश नहीं जाएगा, योग की प्रक्रिया को लोग नहीं जानेंगे। आप भीड़ एकत्र कर लीजिए, आप उत्सव मना लीजिए, फायदा क्या होगा? जरूरत सिर्फ इस बात की है कि योग से जोड़ा जाए, योग से जुड़ा जाए और योग से जोड़ने का काम किया जाए। जब ये परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और आमजन जुड़ेगा, और हमारे आमजन एक बात और कह रहे थे, गांव गांव में पहुंचना चाहिए। गांव में तो कहीं योग की कोई बात ही नहीं करता है, वार्ड स्तर पर जाना चाहिए, वार्ड स्तर पर, और इसके कार्यक्रम भी वार्ड स्तर पर होने चाहिए। आज योग दिवस पर मान लिया कानपुर में 30-40 जगह कार्यक्रम हो गए, क्या होगा इससे? जब तक वार्ड स्तर पर नहीं होंगे, विद्यालय स्तर पर नहीं मनाया जाएगा, तब तक कुछ भला होने वाला नहीं है। इसलिए योग दिवस की सार्थकता तभी संभव है जब आम जन योग से जुड़े और अपने को स्वस्थ बनाए। और उसके लिए प्रधानमंत्री ने जो 4 पा की बात की है, पानी, पोषण, पर्यावरण और परिश्रम, उसको अपने जीवन में अपनाएं। आइए हम आपको और सुनाते हैं आमजन की आवाज। ये आमजन की आवाज है कानपुर की। योग दिवस अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम ही बनके रह गया है, क्योंकि जिस दिन योग दिवस होता है सरकारें अपनी तरफ से आ जाती हैं, कार्यक्रम करती हैं, उस सरकार से जुड़े लोग कार्यक्रम करते हैं और फिर दूसरे दिन से योग बंद हो जाता है। क्या कारण है कि योग दिवस आम जन से जुड़ा नहीं हो पाया? सबसे मुख्य कारण यह है कि आदमी जागरूक नहीं है, योग की महत्ता को समझ नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण में फंस जाता है योग को लेकर, और स्वास्थ्य को लेकर, स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नहीं है। क्या योग भी एक स्टेटस और सिंबल का फैशन बन गया है क्या? इस समय तो अमीरी लोग सिर्फ इस योग को कर रहे हैं, गरीबों से तो योग बहुत दूर हो चुका है। क्या योग एक लोकप्रिय बनने के लिए क्या रह जाता है?
इस समय योग जो करते हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है और जो योग गुरु हैं इस योग के द्वारा देश में नहीं विदेश में भी हमारे भारतीय योग को उन्होंने फेमस किया है। लेकिन कुछ लोग इस योग को सिर्फ और सिर्फ सेल्फी खींचने के लिए करते हैं जिससे लोगों को पता चले कि नहीं हम योग करते हैं। निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रम बन करके रह गया है क्योंकि अप्रशिक्षित योग करा रहे हैं जिसके वजह से जो योग दिवस विश्व योग माना जाता था भारत को अब वो स्थिति नहीं रह गई। क्या कारण है कि योग का आम जन से जुड़ाव नहीं हो पाया है? सिर्फ सरकारी योजना की तरह सरकारी कार्यक्रम बन करके रह गया। आम जनमानस में जो पहले भारत को एक योग योग विश्व में योग गुरु माना जाता था अब वो नहीं रहा क्योंकि जनमानस में ये चीज अब नहीं रहा। क्या योग भी एक स्टेटस और सिंबल का वह फैशन बन गया है क्या? हाँ, यह स्टेटस सिंबल बन गया है। जैसे जिस प्रकार से सेलिब्रिटी और राजनीतिक लोग उसको सिर्फ एक दिन आ करके अपना योग दिवस के दिन अपना स्टेटस सिंबल के रूप में। क्या योग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए? योग को लोकप्रिय बनाने के लिए जनमानस आम जनता के बीच में जो मध्यम वर्गीय हैं गरीब वर्ग हैं लोगों के बीच में जब तक हम उन्हें नहीं बताएंगे कि स्वास्थ्य के प्रति योग स्वास्थ्य सेवा लाभ मिलता है तब तक मेरा लोकप्रियता नहीं बढ़ सकता है। जो भारत का पुराना योग था तभी वापस आ सकता है जो आम जनमानस के बीच में रहेगा। सरकारी कार्यक्रम बन के रह गया है ये मात्र आज 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और सिर्फ अगर एक दिन योगा करने से अगर सब लोग स्वस्थ होने लगे तो बड़ी अचंभित बात है। इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो अगर रेगुलर वे पे करेंगे तभी आदमी स्वस्थ रहेगा, खाली दिखावे के रूप में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या कारण है कि योग दिवस आम जन से जुड़ाव नहीं हो पाया है? आम जन से जुड़ाव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इतना प्रचार प्रसार उसका जिस ढंग से किया जा रहा है आम लोगों के पास चीज पहुँच ही नहीं पा रही। गाँव देहातों में केवल शहरों तक ही सीमित है, गांव देहातों तक इसका कहीं कोई जुड़ाव नहीं है। हर कायदे से तो प्राथमिक विद्यालय या कहीं पे भी हो एक सभा लगा के लोगों को उससे जुड़ाव करना चाहिए, योग के बारे में उसको जानकारी देनी चाहिए तब जाके लोग योग से जुड़ेंगे। क्या योग भी एक स्टेटस और सिंबल व फैशन बन गया है? बिल्कुल फैशन बन गया है, आदमी योगा करता है दिखाता है शो ऑफ करता है, कहीं कोई उसका तरीका ही नहीं। क्या योग भी एक लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए? लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया जाए कि आम लोगों के बीच इसको जागरूकता के रूप में लाया जाए, अच्छे जो योग टीचर हैं जो ये प्रशिक्षित लोग हैं उनको जाके दिया जाए, अनुभवी लोगों को जब आप देंगे योग करेगा व्यक्ति तो शरीर भी उसका स्वस्थ रहेगा। लेकिन ये परमानेंट होना चाहिए, खाली एक दिन के योगा करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं हो सकता सुरक्षित भी नहीं हो सकता। कानपुर की आवाज बहुत तेवर वाली है, साफ साफ कहा जा रहा है निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रम बन गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई सरकारी योजना आ गई हो और उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मात्र एक दिन से आप योग को जनता के बीच में नहीं ले जा सकते हैं, आपको इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हमने पूछा कि लोकप्रिय क्यों नहीं हो पा रहा, जुड़ क्यों नहीं पा रहा, उन्होंने कहा इसके लिए पहले तो जनता जिम्मेदार है क्योंकि जनता भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, सतर्क नहीं है। क्योंकि अगर जिस दिन जनता ये सोचेगी कि हमको स्वस्थ रहना है तो उसके उपाय ढूंढेगी, वो तो जब रोगी हो जाती है तब अस्पताल भागती है, और दूसरी बात ये भी उसका प्रचार प्रसार नहीं है। तीसरी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हमारे योग की जो महत्ता हमारे पुरातन काल में थी, जो पतंजलि ऋषि ने योग के बारे में कहा था वो बात नहीं है। अप्रशिक्षित लोग, अनट्रेन अनक्वालिफाइड लोग योग की शिक्षा दे रहे हैं जिससे योग की प्रतिष्ठा भी गिर रही है, ये भी बात साफ साफ कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है
ये स्टेटस सिंबल बन के रह गया है, ये तो फैशन बन के रह गया है। बड़े घरानों के लोग जो है योग करते हैं, अपने यहाँ योग के लोगों को बुलाते हैं, सेल्फी लेते हैं, भेजते हैं घरों घरों में, अरे देखो मैं योग कर रहा हूँ, ये हो रहा है। और लोकप्रिय ये जब ही बन सकता है जब इसको विद्यालयों से जोड़ा जाएगा। जब तक इसे आम जन से नहीं जोड़ा जाएगा, इसका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, इसके लिए क्वालिफाइड योग शिक्षक नहीं रखे जाएंगे, तब तक इस योग का कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर एक बार लोगों ने ये कहा, मात्र एक दिन योग करने से, भीड़ जुटा लेने से और उत्सव सा मना लेने से कुछ भी नहीं होगा। बल्कि क्या होता है, जब रोहतक में आज गृह मंत्री अमित शाह योग की क्रिया प्रक्रिया को पूरा करके चले, तो वहाँ पर उपस्थित लोग जो हजारों की संख्या में थे जोड़े गए थे, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री मनोहर कट्टर भी वहाँ मौजूद थे। जब ये लोग चले गए तो लोग वहाँ की चटाइयाँ उठा उठा के भागने लगे, लूटमार शुरू हो गई। अब ये योग का कौन सा तरीका है, और ले लेकर के ऐसे भागे कि लूटमार भाग। इसी प्रकार से बाराबंकी में जब योग खत्म हो गया तो वहाँ नाश्ते की व्यवस्था कर दी गई, तो लोग नाश्ता लूट लूट कर भागने लगे। कैसी ये व्यवस्था है, इसका मतलब सिर्फ उत्सव, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम, इसीलिए योग लोकप्रिय नहीं हो रहा है। जबकि योग की अपनी महत्ता है, हम लोग विश्व में योग के नाम पर गुरु माने जाते रहे हैं, लेकिन विश्व के तमाम देशों ने इसे अपना लिया और उसके द्वारा वो अपने जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं, लेकिन हम जहाँ के तहाँ हैं। अगर वास्तव में योग को योग दिवस की सार्थकता के रूप में प्रस्तुत करना है तो योग को आम जन से जोड़ना होगा, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, जागरूकता लानी पड़ेगी और उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने होंगे। देखते रहिए पब्लिक फोरम। नमस्कार। आप देख रहे हैं।